इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, तो ये जनरली टू टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है ग्लेवनिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि एक एग्जांपल बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, कि वाटर है, उसमें दो इलेक्ट्रोड डीप किया है और उसको मैंने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसको ज्वाइन कर दिया, बैटरी से उसको ज्वाइन कर दिया, तो जो H2O है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड, H2 और O2 में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, यानी कैसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो देख लिया अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। वैसे ही जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, कि केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को हम लोग फर्दर भी पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल के रूप में। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं मैं, यहां दो बीकर लेंगे, एक जिंक और एक कॉपर का, ठीक है, तो Zn और कॉपर, तो इन दोनों में क्या होगा, यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा और वो क्या करेगा, यहां Zn क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कॉपर क्या है, गेन करेगा क्योंकि ये रिडक्शन करेगा, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहां पर गेन हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है यहां पर, एक केमिकल एनर्जी, मतलब जो केमिकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लेवनिक सेल के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो डिवीजन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ग्लेवनिक सेल, तो यही पूरे चैप्टर का भी थीम यही था। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं उसको, और ग्लेवनिक सेल किसको बोलते हैं, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है ग्लेवनिक सेल, और उसका ग्लेवनिक सेल मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसी के जो डैनियल सेल है वो हम लोग पढ़ेंगे। ग्लेवनिक सेल क्या था, ग्लेवनिक सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, तो उसी का एक एग्जांपल है, क्या है, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डैनियल सेल का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके में। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी आप कहीं भी फंसोगे नहीं, हर किसी भी टाइप की बैटरी को वर्किंग आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका डैनियल सेल, तो यहां पर मैंने दो बीकर लिया है और दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, एक आपका जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है मैंने, और एक मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो बीकर है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है मैंने, वो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। जिंक में मैंने ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो एक्वस मीडियम में सॉल्ट, जो कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, आयन है, तो जो डिवाइड हो जाएंगे कॉपर और सल्फेट में, तो वो एक्वस के टर्म में लिया है मैंने। ठीक है, और कॉपर का दो इलेक्ट्रोड लिया है मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करता हूं वायर के थ्रू, तो क्या होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन अकर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Zn ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके रिस्पेक्ट में कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे फ्रेंड, तो जिंक किससे, कॉपर की तरफ। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस वाले पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा आपका, एनोड कहलाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है फ्रेंड कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं तो क्या वो ग्लो करेगा, हाँ बिल्कुल ग्लो करेगा, पर थोड़े ही देर तक वो ग्लो कर पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा,
तो इसके आप हाफ रिएक्शन जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो ZN है, वो ZN प्लस टू और टू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, कॉपर प्लस टू है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा दो इलेक्ट्रॉन लेकर। दो इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ZN का हो रहा है, ZN प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ZN है, जो जिंक है ZN, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ZN प्लस टू में। यानी जिंक सल्फेट में ZN प्लस टू की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, है ना, क्योंकि ये निकलता चला, ये रिएक्शन होता चला जाएगा। तो ZN ZN प्लस टू का रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। वैसे ही इस वाले में देखिए, कॉपर प्लस टू कॉपर बनता चला जाएगा, यानी जो कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस टू है, कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर प्लस टू है, वो कहां क्या हो जाएगा, कॉपर में डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो जो कॉपर प्लस टू है वो कहां डिपॉजिट होगा, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट, यानी कॉपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सल्फेट की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, सल्फेट की मात्रा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां सल्फेट की मात्रा इंक्रीज हो जा रही है, यहां जिंक की मात्रा इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी जिंक की इंक्रीज हो जा रही है और सल्फेट की इंक्रीज हो जा रही है, तो ये क्या कर देगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, एक पोटेंशियल बैरियर, जो कि यहां से यहां जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, ZN से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था और यहां गेन हो रहा था, तो वो अब स्टॉप कर देगा, कौन, जिंक की, जो जिंक कैटायन है वो स्टॉप कर देगा, और सल्फेट जो कैटायन है वो एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, वो उसको स्टॉप कर देगा। उस पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है फ्रेंड। तो पोटेंशियल बैरियर है, तो इसी को स्टॉप करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए हम लोग एक यू शेप का एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो KCl प्लस HNO3 का मिक्सर होता है और ये पेस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है। तो पेस्ट के फॉर्म में कैसे बनेगा, तो आपने जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया वो जेली देखा है आपने, आपने कोलगेट या पेप्सोडेंट जो भी इस्तेमाल करते हो उसमें क्या होता है, जेली टाइप का होता है। तो वो क्यों होता है, तो एक अगर एल्गी होता है फ्रेंड, उसकी वजह से वो जेली के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहां इसको पेस्ट के फॉर्म में लाना है, तो अगर एल्गी के साथ ये मिक्सर तैयार किया जाता है, KCl और HNO3 का एक मिक्सर तैयार किया जाता है और इसमें फिल होता है वो फ्रेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, तो यहां पर किसकी चार्ज ज्यादा हो जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा था, तो KCl से जो नेगेटिव चार्ज यानी Cl माइनस वो यहां आने लग जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा, Cl माइनस आपका इधर आने लग जाएगा और जस्ट उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, K प्लस आपका इधर आने लग जाएगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगी और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग क्या है, ब्रेक द पोटेंशियल बैरियर और न्यूट्रलाइज कर देता है, जो चार्ज बढ़ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ब्रेक द पोटेंशियल बैरियर। और इसका एक और काम है फ्रेंड, वो है सर्किट कंप्लीट कर देता है, सर्किट कंप्लीट कर देता है, सर्किट क्या कर देता है, ये कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये जो ग्लो है बल्ब, वो लॉन्गर टाइम तक ग्लो करता रहेगा, जब तक इसके आयंस निकलते जाएंगे और वो बनता जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, डेनियल सेल का वर्किंग हो गया। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वापस कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और पर वापस एक बार मैं समरी करता हूं,
यहां मैंने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जिंक और कॉपर का, और उसके इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहां जिंक ना लेकर कॉपर लेता तो क्या होता फ्रेंड, तो यही रिएक्शन हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है मुझे, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना था तो बस मुझे आयनाइज करना था, इसलिए मैं जिंक ही लिया हूं, ठीक है, कॉपर नहीं लिया क्योंकि रिएक्शन अंदर ही हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं ग्लो करता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए हैं और उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने वायर उसको ज्वाइन किया तो आपका एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर केटायन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, यहाँ पर KCl लिया गया है, ठीक है, के इधर जाएगा और CL, और ये KCl इसलिए लेते हैं फ्रेंड, KCl एक मतलब जैसे KCl ही क्यों लिया है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो KCl इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इसकी कंडक्टिविटी रेंज है K और Cl- का, K+ और Cl- का जो कंडक्टिविटी रेंज है वो बिल्कुल सेम होता है, जो मूवमेंट होती है K और Cl का वो बिल्कुल इक्वल होता है, इसलिए इक्वल तरीके से मूव करे इसलिए KCl लिया जाता है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। ये एनोडिक रिएक्शन होता है, ये कैथोडिक रिएक्शन होता है फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ये नेगेटिव होगा ये एनोड और यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब ये ग्लेमिक सेल की बात करें तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत यहां तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक्चुअली एक और चीज बता देता हूं मैं यहां पर आपको कि जो पोटेंशियल डेवलप होती है 1.10 वोल्ट डेवलप होती है यहां पर पोटेंशियल, ठीक है, इस बैटरी से 1.10 पोटेंशियल डेवलप होती है, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। हेलो, ग्लेमिक सेल पढ़ा रहा था मैं, ग्लेमिक सेल में आपको बताया था कि इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1.10 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये तो 1.10 वोल्ट है तो ये बल्ब ग्लो करेगा, पर मान लीजिए कि अगर यहां पर मैंने एक बैटरी और लगा दी है जिसकी पोटेंशियल 1.10 वोल्ट ही है तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये क्या हो जाएगा आपका रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा जो रिएक्शन चल रहा था क्योंकि यहां जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था ये 1.10 वोल्ट पर रहा था, अब उतना ही पोटेंशियल का एक और आ गया तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहां पर कुछ नहीं होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा नेट सेल का, वो हो जाएगा आपका जीरो, तो ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और ना ही कुछ होगा। मान लीजिए कि यहां ग्रेटर देन 1. इतना वोल्ट हो जाए पोटेंशियल, इस बैटरी का इतना ज्यादा हो जाए इस वाले से जो डेनियल सेल का से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड तो वो बैटरी क्या हो जाएगा चार्ज होने लग जाएगा, जो रिएक्शन चल रहे थे वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था वो अब उल्टा हो जाएगा, Zn+2 Zn में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, यानी बैटरी क्या हो जाएगा वापस से चार्ज होने लग जाएगा। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं फ्रेंड, आपको बताया था एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है ग्लेमिक सेल या फिर डेनियल सेल, ठीक है। तो अब ये टाइप का क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देंगे इसको, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देंगे, क्योंकि ये सेल क्या कर रहा है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा रहा होगा, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। और अगर ये कम हो जाए तो बिल्कुल वो ग्लेमिक सेल ही होगा, और ये इसकी पोटेंशियल ज्यादा है तो वो लॉस करता रहेगा इलेक्ट्रॉन को और गेन करता रहेगा और वो ग्लेमिक सेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली फ्रेंड कि E 1.10 वोल्ट है तो क्या होगा, E लेसर देन 1.10 वोल्ट है तो क्या होगा, और E अगर जो इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट है तो क्या होगा, तो इस वाले टर्म में क्या होगा, वो चार्ज होगा, बैटरी क्या होगी चार्ज होगी, इस वाले टर्म में डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो ग्लेमिक सेल ही बन रहेगा, पर इस वाले में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा और इस वाले में कुछ नहीं होगा।